नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इन दिनों अयोध्या में भगवान प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दानी दाताओं के बीच सर्वाधिक समर्पण राशि जमा करने की होड़ मची हुई है। इन्हीं दानी दाताओं की कड़ी में इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री रवि सर्राफ। आइए जानते हैं कि आपके प्रयास से अब तक कितनी धनराशि एकत्रित कर जमा की गई है। धन्यवाद अशोक जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने अभी प्रश्न किया कि आपके प्रयास से, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमापूर्वक विनती करता हूँ कि ये समर्पण निधि का कार्यक्रम मेरा कोई इसमें प्रयास नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ 1363 के तमाम कार्यकर्ता, तमाम सर्राफा व्यवसायी जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का प्रयास था या सभी लोगों ने पूरी मेहनत की, जिसकी वजह से आज ये समर्पण निधि का कार्यक्रम माननीय परमादरणीय श्री चंपत राय जी महासचिव श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के हाथों समर्पित कराया गया। समर्पण राशि करीब 51 लाख रुपए का टारगेट, या ये कहिए कि हम लोगों ने मन में सोचा था 30 लाख रुपए तक हम लोगों ने उसको प्राप्त किया है। 27 फरवरी तक अभी इसमें समय है। जिस तरह से सर्राफा व्यवसायियों का उत्साह चरम पर है, तो प्रभु राम की अगर कृपा हुई तो हम लोग 51 लाख के अपने टारगेट को पूरा करने में सफल होंगे। 30 लाख रुपया जो है, ये सबसे बड़ा गौरव का विषय है कि हम सर्राफा व्यवसायियों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से कोड मिला हुआ है। कोड के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में ये राशि कल जमा करा दी जाएगी और कल से फिर हमारे सर्राफा व्यवसायी और कार्यकर्ता इस समर्पण निधि के कार्यक्रम में लगेंगे और 21 लाख रुपया और प्रयास करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द इसको पूर्ण कर लिया जाए। महामंत्री जी, 1 लाख से अधिक समर्पण राशि समर्पित करने वाले सर्राफा कारोबारी कौन लोग हैं? महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस भी कारीगर बंधु या जो भी सर्राफा व्यवसायियों ने 100 रुपये का ही समर्पण किया है, वही हमारे लिए परम श्रद्धेय है, क्योंकि वो कारीगर अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई को श्री राम प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में समर्पण निधि का ये जो कार्यक्रम है, वो हर तबके को लेके साथ चलने का कार्यक्रम है, इसीलिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो पहले तो उन सभी व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, उन कारीगर बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, उन गलाई मचाई वाले व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ, टंच वालों को प्रणाम करता हूँ, ब्रोकर बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात जो आपने ये प्रश्न किया, तो उसका मैं उत्तर आपको देना चाहूँगा। 1 लाख से ऊपर के समर्पण दाता श्री संतोष जी अग्रवाल, श्री सुमित वर्मा जी, श्री दयाशंकर सेठ जी, श्री गुंजन जी जो कि चेतमणि आर्नामेंट्स श्री हीरालाल जी के पुत्र हैं, श्री कृष्ण अग्रवाल और श्री राजू अग्रवाल जी, नारायण दास सर्राफ ज्वेलर्स, श्री मनोज जी आरण्य ज्वेलर्स, और एकाध नाम जो हैं वो संज्ञान में या विस्मित हो रहे हैं मुझसे, और एक स्वयं मैं उसमें हूँ जिन लोगों ने 1 लाख रुपए से ऊपर की समर्पण राशि प्रभु राम के चरणों में समर्पित की है। एक अन्य विषय या एक समर्पण हम लोगों के बीच, आज 5 अगस्त को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास माननीय मोदी जी के द्वारा कराया गया, तो हमारे सर्राफा व्यवसायियों में बड़ी सबकी इच्छा जागृत हुई कि प्रभु राम के मंदिर में जो प्रभु राम का सिंहासन हो चांदी का, वो बनारस के कारीगरों और बनारस के व्यवसायियों द्वारा प्रभु राम के मंदिर में अर्पित किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बैठक फैजाबाद में
उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के बैनर पर प्रदेश भर के सराफा व्यवसायियों के साथ हुई, जिसमें सौभाग्य से मुझे भी आमंत्रित किया गया। उसमें भी माननीय आदरणीय श्री चंपत राय जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। वहाँ भी हमने इस बात को महोदय के सामने रखा था। महोदय ने उस समय आश्वासन दिया था कि 2-3 साल के बाद जब मंदिर बन जाएगा तब इस पर आपकी बात पर विचार हम लोग करेंगे। आज पुनः जो बैठक शेरवाली कोठी में वाराणसी सराफा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के द्वारा आयोजित थी, उस बैठक में भी हमने इस बात को माननीय के सम्मुख रखा, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए, आश्वासन तो नहीं दिया लेकिन मुस्कुराते हुए मेरी बातों को सुना और दोनों हाथ उठा के उन्होंने ये आश्वस्त किया कि जब वो समय आएगा तो बनारस के सराफा व्यवसायियों और बनारस के कारीगरों को निश्चित तौर पर उस बात की जानकारी दी जाएगी। प्रभु राम की अगर इच्छा हुई तो श्री राम लला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे वो सिंहासन बनारस के कारीगरों के द्वारा बनवाने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। उसमें भी 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम जिस कारीगर की जिस दुकानदार की जो क्षमता होगी उस क्षमता के रूप सभी दुकानों पर जाएंगे, सभी लोगों से चांदी एकत्रित करने के पश्चात उस कार्यक्रम को भी कराने में स्वर्णकार संघ और वाराणसी सराफा एसोसिएशन मिलजुल के कार्य करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री राम। इस वक्त हमारे साथ हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कई माध्यमों से समर्पण राशि समर्पित करने वाले वाराणसी के प्रमुख सर्राफा कारोबारी प्रकाश जी अग्रवाल। आइए जानते हैं आपने प्रभु राम के चरणों में अब तक कितनी धनराशि समर्पित किया है। धन्यवाद अशोक मिश्रा जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने समर्पण को समाज के समय सामने प्रस्तुत कर सकूं। जैसा कि हम सभी हिंदू धर्म में मानते हैं कि हमारे पास जो भी है वो प्रभु श्री राम का दिया हुआ है और प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में ही हम लोग कार्य करते हैं। और हमने अभी तक विभिन्न माध्यमों से, जैसे हमारे सराफा मंडल में बाज़ार में, चूँकि हमारा इतना विस्तृत बाज़ार है कोदई चौकी से लेके और पूरा बनारस में फैला हुआ है, और मुख्य रूप से थोक कारोबार ठठेरी बाज़ार और रेशम कटरा गोविंदपुरा हर जगह है, सूर्या तक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे कई इकाइयाँ हैं सराफा एसोसिएशन की और सराफा मंडल की, स्वर्णकार संघ की। तो मैंने जो भी इकाई के जो भी लोग आए हमारे पास आए पदाधिकारी और इसमें समर्पण के लिए, तो वो समर्पण राशि चूंकि श्री राम के चरणों में जानी है इसलिए मैंने मुक्त हस्त से करने की कोशिश किया और प्रभु की कृपा से मैं अभी तक लगभग 54,000 रुपया मैंने विभिन्न माध्यमों से दिया है। भारत विकास परिषद के माध्यम से भी मैंने कुछ धन दिया है और अभी भी मैं चेकबुक दुकान में ही रखा हुआ हूँ और अभी जो भी आगे भी कोई अगर हमारे पास आता है इसके लिए, प्रभु श्री राम के इस कार्य के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, तो मैं अपनी यथाशक्ति प्रभु की सेवा करने में गौरवान्वित महसूस करूँगा। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ, जिसका कि मैं संरक्षक हूँ, उसके माध्यम से मैंने 21,000 रुपया दिया है और श्री काशी सराफा मंडल के सहयोग से मैं 11,000 रुपया देने में सक्षम हुआ हूँ और वाराणसी सराफा एसोसिएशन की तरफ से भी मुझे 11,000 देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शहर की विभिन्न संस्थाओं में से चूँकि जुड़ा हुआ हूँ और इंतज़ार भी कर रहा हूँ और आगे बढ़ के देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक भारत विकास परिषद के माध्यम से भी मैंने 11,000 रुपया दिया है। क्लाउन टाइम यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अभी भी प्रभु से प्रार्थना करता हूं और उनके प्रभु के सेवकों से जो कि इसको सहयोग राशि को हम लोगों से इकट्ठा करके वहां पहुंचा रहे हैं, इतना शारीरिक श्रम अपने तन मन धन से कर रहे हैं, प्रभु जी का आशीर्वाद रहा और मुझे यथाशक्ति मैं अभी भी सेवा करने के लिए तन मन धन से तैयार हूँ और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी लोगों का जिन लोगों ने ये कलेक्शन किया, और क्लाउन टाइम्स का भी मैं आभारी हूँ कि मेरी बात को वो आम जनता तक पहुंचाने का उन्होंने हमें सहयोग दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। और प्रभु श्री राम के चरणों में, उनकी सेवा में, उनके मंदिर निर्माण में मैं अपने जीवन में जो भी सहयोग कर सका तन मन धन से मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम।
क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।